हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देवराड़ी पाठशाला। सो गाइस, टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सीएसआई नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ये सीएसआई नेट प्रैक्टिस सीरीज का पार्ट 5 है। पार्ट 4 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं सीएसआई नेट, गेट, आईसीएमआर, डीबीटी, जेआरएफ के लिए, साथ ही साथ एमएससी और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। सो मेन वीडियो पर चलने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स प्रोसीड। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहाँ पर कि जो है हमारा सीएसआई नेट 2022 का सितंबर 1st शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है? जनरली आपको डाइवर्सिटी में क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन हो, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हो, एनिमल का क्लासिफिकेशन हो। ठीक है, इन सब की क्लासिफिकेशन से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन से पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द सब फाइला चेलिसिरेटा, माइरेपोडा एंड हेक्सापोडा इन दिस स्पेसिफिक सीक्वेंस। यानी जो ये सीक्वेंस है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इस सब फाइलम पे बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों फाइलम किससे बिलोंग करते हैं। ये तीनों जो है आपके आर्थ्रोपोडा फाइलम से हैं। आर्थ्रोपोडा फाइलम के ये सब फाइलम हैं, चेलिसिरेटा, माइरापोडा एंड हेक्सापोडा। ठीक है, इन तीनों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी आपको इससे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, सो द फाइलम आर्थ्रोपोडा इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज डिवाइडेड इनटू द सब फाइला हेक्सापोडा, क्रस्टेशिया, माइरापोडा एंड चेलिसिरेटा। ठीक है, ये चार जो है सब फाइलम होते हैं। यहाँ पर आपको तीन ही के बारे में पूछा गया है। जो नेम हेक्सापोडा है, हेक्सापोडा नाम से ही पता चल रहा है, हेक्सा मीन्स सिक्स और पोडा मीन्स पैर, यानी जिसके सिक्स पैर होंगे, यानी छह पैर में जो जाने वाला होगा। ठीक है, सिक्स लेग्स जो है इसी में हम से समझ रहे हैं। ठीक है, इन दीज एनिमल विच डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेयर्स प्रेजेंट इन अदर आर्थ्रोपोड, यानी थ्री पेयर ऑफ लेग, यानी टोटल सिक्स लेग्स जो है इनमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हेक्सापोडा आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ हेड, थॉरेक्स, एब्डोमन कंस्टिट्यूटिंग थ्री टैग्मा। ठीक है, इसमें जो है हेड, थॉरेक्स, एब्डोमन इजीली आइडेंटिफाई होता है कि कौन सा रीजन जो है वो हेड का होगा, कौन सा थॉरेक्स का होगा, कौन सा एब्डोमन का होगा। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। स्प्रिंग टेल इसका एग्जांपल हो गया, एंट्स हो गए, कॉकरोचेस हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, एंड फ्लाइज आर द एग्जांपल ऑफ हेक्सापोडा। आप लोगों ने एंट्स को देखा होगा, कॉकरोचेस को देखा होगा, बटरफ्लाइज देखी होंगी, है ना, ये सारे हेक्सापोडा के अंदर आता है। लेकिन आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने स्प्रिंग टेल के बारे में नहीं देखा होगा। स्प्रिंग टेल कैसा दिखता है, तो मैं आप लोगों के लिए फिगर लाई हूँ। ये इस तरीके, कुछ इस तरीके का आपको जो है वो स्प्रिंग टेल दिखता है। ठीक है, तो आपको जो है वो यहाँ पर स्प्रिंग टेल ही पूछा गया था क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्प्रिंग टेल जो है आपको किस में पाया जाता है, आपका फाइलम हेक्सापोडा में। ठीक है, हेक्सापोडा में आपका स्प्रिंग टेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, और भी सब फाइलम के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। द सब फाइलम माइरापोडा इंक्लूड्स द आर्थ्रोपोड्स विद न्यूमरस लेग। माइरापोडा में जो आर्थ्रोपोड्स आते हैं उनके बहुत सारे लेग्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई कोई आर्थ्रोपोड्स के बहुत सारे लेग्स होते हैं। ठीक है, जैसे ऑल्दो द नेम इज हाइपरबॉलिक इन द सजेस्टिंग दैट माइरिड लेग्स आर प्रेजेंट इन दीज इन्वर्टिब्रेट्स, द नंबर ऑफ लेग्स वेरी फ्रॉम 10 to 750, यानी 10 से लेकर 750 लेग तक जो है इनके पास में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, इनके मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे होंगे मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स। ठीक है, मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने देखे होंगे, और ये नाम जो है हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स आपके माइरापोडा सब फाइलम में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सब फाइलम चेलिसिरेटा। चेलिसिरेटा में जो एनिमल आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, स्पाइडर आते हैं, स्कॉर्पियो आते हैं, हॉर्स शो क्रैप्स आते हैं, सी स्पाइडर आते हैं, इस प्रीडोमिनेंटली टेरेस्ट्रियल एंड ऑल्दो सम आर मैरिन, कुछ जो है ज़्यादातर ये टेरेस्ट्रियल ही होते हैं, लेकिन कुछ उसमें से जो है वो मैरिन में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हॉर्स शो क्रैब आपसे पूछा गया था और सेंटीपीड्स के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो हम आपका जो है वो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दैट इज सेकेंड वन। हॉर्स क्रैब हमने किस में पढ़ा, हॉर्स शो क्रैब हमने चेलिसिरेटा में पढ़ा, और सेंटीपीड हमने किस में पढ़ा, मैरीपोडा में, और हेक्सापोडा में हमने स्प्रिंग टेल पढ़ा। ठीक है, तो यही आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन को ध्यान रखना, क्योंकि अभी एग्जाम में पूछा गया है तो आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट डिफाइन एज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स, हाउएवर द डेफिनेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू ग्रुप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड हैज नॉट बीन एब्जॉर्ब येट, एक्सट्रीमली रेयर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एन ऑर्गेनिज्म विद द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट मे देयरफॉर नॉट अप्लाई। ठीक है, तो देखो गाइस, ये क्वेश्चन आपको इकोलॉजी और डाइवर्सिटी दोनों को मिक्स करके पूछा गया है। इकोलॉजी में आप लोग पढ़ते हो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है
कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि जो हम स्पीशीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये स्पीशीज़ इस स्पीशीज़ से कैसे अलग है, तो उन्होंने बोला था कि जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ होती है वो क्या होती है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है, यानी जो अलग अलग स्पीशीज़ होगी वो आपस में कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी, हमेशा सेम स्पीशीज़ ही आपस में रिप्रोड्यूस कर पाएंगी। ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको इकोलॉजी में पढ़ने को मिलता है। लेकिन जो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ये एकदम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, यानी अगर आपने ये सारे पढ़े होंगे आपको पता होगा तभी आप लोग ये आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन आपको बताना क्या है, आपको ऐसे ऑप्शन बताना है जिनमें कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, तो उनके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया हुआ है मोनोकॉट्स एंड बेसल एंजियोस्पर्म। मोनोकॉट्स में आपने देखा होगा कि मोनोकॉट्स और बेसल एंजियोस्पर्म जो है ये प्लांट्स हैं, ठीक है, और प्लांट्स में आपको पता ही है एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, और जिनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि किसी और का पोलन ग्रेन आपने देखा होगा कभी भी किसी और स्पीशीज़ के साथ में जो है वो उसके साथ में जो है वो मिलता नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए जो है आपको जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले दिखे होंगे उसी में आपको जो है क्या क्या देखने को मिलेगा, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे नॉट अप्लाई दिया गया है इसलिए ये स्टेटमेंट तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज एंड ओलिगोकीट्स। एस्कोमाइसिटीज क्या होते हैं, फंजाई होते हैं, ठीक है, इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये भी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं क्योंकि ये बेसी क्योंकि ये दूसरे फंगस के साथ में जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं तो इनमें भी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट स्पीसीज अप्लाई होता है। नेक्स्ट है मॉसेज एंड लिवरवॉर्ट, ये भी नहीं होगा क्योंकि इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है और ये भी क्या है आपके बायोलॉजिकल स्पीसीज यानी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन दिखाते हैं। नेक्स्ट लास्ट वाला ऑप्शन है दैट इज साइनोबैक्टीरिया एंड यूग्लिनोफाइट। साइनोबैक्टीरिया आपका यानी बैक्टीरिया आ जाता है यानी प्रोकैरियोट्स में आ जाता है और यूग्लिनोफाइट्स यानी जस्ट कनेक्टिव लिंक होता है, ठीक है, तो इन दोनों में देखा जाता है तो इन दोनों में जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है और जिनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है उनमें कभी भी बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है, यानी वो कभी भी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं होंगे, ठीक है, उनमें ये कॉन्सेप्ट ही अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो है करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा दैट इज साइनोबैक्टीरिया एंड द यूग्लिनोफाइट्स, ठीक है। सो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया दैट इज साइनोबैक्टीरिया एंड यूग्लिनोफाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कुड बेस्ट डिस्क्राइब द डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, ठीक है, टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल में कौन सा जो है आपको बेस्ट डिफाइन कर रहा है। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं गाइस, ब्रायोफाइट्स आते हैं, पहले तो एल्गी फंजाई होते हैं प्लांट्स का क्लासिफिकेशन में, देन आपके ब्रायोफाइट्स आते हैं, देन टेरिडोफाइट्स आते हैं, देन जिम्नोस्पर्म आते हैं, देन एंजियोस्पर्म आते हैं। आई थिंक ये सीक्वेंस सबको ही पता होगा। जो टेरिडोफाइट्स आते हैं उनमें एक खासियत होती है कि वहाँ से जो है आपका वस्कुलर प्लांट यानी उनको वस्कुलर प्लांट बोलते हैं, से वस्कुलर जो है वो स्टार्ट होता है, वहाँ से ओरिजिन होता है, यानी जो जाइलम फ्लोएम है वहाँ से जस्ट स्टार्ट होता है, उनमें इतना बनता नहीं है लेकिन वहाँ से जस्ट स्टार्ट होता है। तो उनमें जो है कौन सा फेज लाइफ साइकिल का देखा जाता है गाइस, तो उनमें डिप्लॉइड स्पोरोफाइट देखा जाता है, ठीक है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड, यहाँ पर देखो यहाँ पर डिप्लॉइड गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट कभी भी डिप्लॉइड नहीं होगा, गैमेटोफाइट का मतलब जो गैमेट्स बन रहे हैं, गैमेट्स हमेशा क्या होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये तो कभी होगा ये तो होंगे नहीं डोमिनेंट फेज। कौन सा होगा डिप्लॉइड, यानी जो उसका डिप्लॉइड फेज है यानी जो उसका फेज है लाइफ साइकिल का वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट ज़्यादा है, यानी उसकी लाइफ में डिप्लॉइड स्पोरोफाइट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हैप्लॉइड स्पोरोफाइट, ठीक है, तो हैप्लॉइड स्पोरोफाइट यहाँ पर डोमिनेंट नहीं होता, यहाँ पर डिप्लॉइड होता है। थर्ड वन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर टू कॉलम्स लिस्टिंग द एंजियोस्पर्म फैमिलीज विद देयर ग्रुप, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो कॉलम दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट वन में आपको ग्रुप दिया गया है और लिस्ट टू में आपको फैमिलीज दी गई है एंजियोस्पर्म की, ठीक है, तो आपको इन्हें करेक्ट मैच करवाना है, ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैच बिटवीन द कॉलम, ठीक है, सबसे पहला है बेसल एंजियोस्पर्म। बेसल एंजियोस्पर्म किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो निम्फेसी जो है फैमिलीज जो है इससे जो है ये बिलोंग करता है, ठीक है, तो ए का जो है आपका फोर्थ हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन में भी ए का फोर्थ है और सेकंड में भी ए का फोर्थ है। नेक्स्ट है फैबिट्स। फैबिट्स जो है वो किसको बिलोंग करता है, तो फैबिट्स आपका कुकुरबिटेसी की फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है, तो फर्स्ट बी का आपका क्या हो जाएगा दैट इज सेकंड वन। नेक्स्ट है मेलविट्स, तो मेलविट्स आपको कहाँ बिलोंग करते हैं, मेलविट्स आपके ब्रैसिकेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ है लैमिट, लैमिट्स आपको किसको बिलोंग करते हैं दैट इज़ सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट मैच आपको कैसा कौन सा दिख रहा है, ए का फोर्थ आपको जो है फर्स्ट में दिख रहा है और बी का जो है वो आपको सेकंड दिख रहा है कुर्बिटेसी, दैट इज़ फर्स्ट वन आपका ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, बाकी में बी का सेकंड कहीं भी नहीं है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, तो जिसको भी जिसने भी क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा उसके लिए काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, सो फर्स्ट वन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पे, ये Feb 2022 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया है, द टेबल गिवन बिलो लिस्टेड द कंजर्वेशन एरियाज एंड द मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट दे आर बेस्ट नोन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंजर्वेशन की लिस्ट दी गई है और मेजर ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं कि कौन से कंजर्वेशन एरिया में जो है मेजर ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्या किया जाता है, उनको कंजर्व किया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। आपको क्या बताना है, करेक्ट मैच बताना है एक्स वाई कॉलम के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहला है हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क में जो है आपको कौन देखता है, तो आपको स्नो लेपर्ड जो है यहाँ पर कंजर्वेशन, एज अ कंजर्वेशन का मेन जो एनिमल है वो स्नो लेपर्ड यहाँ पे कंजर्व किया जाता है, ठीक है। दैट इज़ बी वाला है आपका नेशनल चैम्बल सेंचुरी। नेशनल चैम्बल सेंचुरी में आपको जो है वो घड़ियाल को जो है वो क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, घड़ियाल को आपको कंजर्व किया जाता है। नेक्स्ट सी है नॉकरेक नेशनल पार्क। नॉकरेक नेशनल पार्क में आपको आपका एंडेमिक सिट्रस स्पीशीज़ को जो है वो कंजर्व किया जाता है, जो एंडेमिक स्पीशीज़ हो चुकी है सिट्रस की उनको जो है यहाँ पे कंजर्व किया जाता है। नेक्स्ट है सेसा सेंचुरी। सेसा सेंचुरी में आपका जो है वो ऑर्चिड्स को कंजर्व किया जाता है, मेनली जो है वो ऑर्चिड्स के लिए फेमस है आपका सेसा सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट ई वाला है बगमेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बगमेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके नेपेंथिस के लिए जो है वो फेमस है, ठीक है। तो इनको जो है ये कंजर्व किया जाता है। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, दैट इज ऑप्शन हो गया, दैट इज़ ए का फोर्थ। तो ए का फोर्थ आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज़ सेकेंड वन। तो सेकेंड वन आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेशनल पार्क वगैरह से, तो इनको आपको ध्यान रखना है, आपका सेकंड आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा नेशनल पार्क कौन से एरिया में, कौन सी सेंचुरी कौन कहाँ जो है वो प्रेजेंट होती है। मेन फेमस सेंचुरीज़ को आप लोग लर्न कर लेना, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी Feb 2022 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द टेबल बिलो लिस्टेड आर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एंड ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको लिस्ट वन में प्लांट्स का ग्रुप दिया गया है और लिस्ट सेकेंड में जो है उनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है, ठीक है। आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को करेक्ट मैच कराना है, ठीक है। तो ए है लिवरवॉर्ट। लिवरवॉर्ट और मॉसेस दो अलग अलग क्लासेस होती है। ये किसके अंदर आते हैं गाइस, ये ब्रायोफाइट्स के अंदर आते हैं, दोनों ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है। जो लिवरवॉर्ट्स होते हैं ये क्या, ये इनमें क्या होता है, यूनिसेलुलर राइजोइड्स, ये यूनिसेलुलर राइजोइड्स के लिए फेमस होते हैं लिवरवॉर्ट्स, ठीक है। और साथ साथ इन दोनों में जो, क्योंकि ये दोनों ब्रायोफाइट्स हैं, मैंने आपको अभी बताया था ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज होती है वो डोमिनेंट गैमेटोफाइट जो है वो फेज होती है। तो यहाँ पर जो है फेज कौन सी होती है, डोमिनेंट गैमेटोफाइट जो है वो फेज होती है, इन दोनों में होती है, मॉसेस एज वेल एज लिवरवॉर्ट में। तो दोनों का फिफ्थ तो होना ही होना है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, साथ साथ यूनिसेलुलर जो है वो राइजोइड किस में होता है, लिवरवॉर्ट्स में होता है। तो ए का जो है आपका फर्स्ट एंड फिफ्थ तो ज़रूर होगा। तो ए का फर्स्ट एंड फिफ्थ जो है, एक तो इस वाले ऑप्शन में है, फर्स्ट वाले में, और एक फोर्थ वाले ऑप्शन में। हम बी का भी देख लेते हैं, मॉसिस। मॉसिस की एक खासियत होती है, जैसे लिवरवॉर्ट्स में यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं, मॉसिस में मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होते हैं, ठीक है। तो बी का यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी बी का सेकंड है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो है स्टोमेटा ऑन स्पेरोफाइट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, मॉसिस में। और क्या होता है, डोमिनेंट जो है गैमेटोफाइट की फेज होती है, ठीक है। तो आपका जो है करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, दैट इज स्टेटमेंट फोर्थ। और यहाँ पर थर्ड था तो प्रेजेंस ऑफ प्रिनोइड्स, प्रिनोइड्स इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिससे कि ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जो है ये क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट एक तो मेन डिफरेंस पता होना चाहिए लिवरवॉर्ट्स और मॉसिस में, ठीक है, ये यूनिसेलुलर राइजोइड्स और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स का, ठीक है। और साथ में दोनों में जो है वो डोमिनेंट गैमेटोफाइट होता है, क्योंकि ये क्या है, ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। चलो तो आपका जो है वो करेक्ट आंसर स्टेटमेंट हो गया, दैट इज़ फोर्थ वन, ठीक है। फोर्थ वन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे लगा स्टूडेंट आप लोगों को मेरा वीडियो, तो आप लोगों के लिए मैं इस बीच में वीडियोस नहीं बना पाई, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं आउट ऑफ द स्टेशन हूँ अभी भी, ठीक है। और बहुत बिजी होने की वजह से, बिल्कुल भी टाइम ना मिलने की वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाई। ये वीडियो भी मैं आज ही प्रिपेयर करा मैंने, ठीक है। तो काफ़ी टाइम लगता है थोड़ा सा प्रिपेयर करने में, ठीक है गाइस। तो आप, आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं आप लोगों के लिए एक लास्ट मिनट टिप भी ले आऊँगी, ठीक है, शायद कल तक ला पाऊँगी, आज तो पॉसिबल नहीं है। तो बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, तो आप लोगों का ज़रूर हो जाएगा CSI NET क्लियर, ठीक है। सो आई ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।